Capital TV Washington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capital TV से मैं हूँ नौशीन और आप इस वक्त देख रहे हैं Tonight with नौशीन बेग. और आज की हमारी गेस्ट जिनके साथ हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, बहुत से जो है वो डिस्कशन पॉइंट्स थे हमारे और प्रोग्राम के लिए बड़ी अच्छी फीडबैक आई थी. नरगिस, अस्सलामुअलैकुम. लेट मी इंट्रोड्यूस वन मोर टाइम. नरगिस ज़हरा owns a multi-crown media company, emotional counselor, deals with logic, science, and management of emotions. Business consultant and networking professional, internationally published author and teacher of international relations. MashaAllah, welcome, Nargis Zahra. Thank you so much for having me. Alhamdulillah. Happy to be back once again. Me too. I'm so happy to see you. And aaj ka topic jo hai, wo bahut kuch हमें सीखने को मिलेगा आपके एक्सपीरियंस से. अगेन, जस्ट लाइक यू डू काउंसलिंग, मियां बीवी का रिश्ता ऐसा है कि अगर इंसान आंख बंद करके एक दूसरे के साथ चले तो पूरी उम्र खुशी से चल सकता है. लेकिन अगर शक की दीवार या डिफरेंट अदर इश्यूज अराइज हो जाते हैं, फिर एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है. जिंदगी खुश व खुर्रम गुजारने के लिए मियां बीवी के रिश्ते को मोहब्बत, एतमाद, समझदारी के धागों से मजबूत बनाना चाहिए. छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए. मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए. ये तो बड़ी खूबसूरत बातें कर दी आपने. हाँ, अच्छी बातों से आगाज करना चाहिए. और वही बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. और प्रोग्राम का मकसद यही है कि इस रिलेशन को कैसे मजबूत बनाना है, क्योंकि इस ये जो है फैमिली स्ट्रक्चर को मजबूत करता है. तो इसीलिए जो है आज हम एडवाइस ले रहे हैं नरगिस ज़हरा से कि क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये एक जो रिश्ता है उसके चैलेंजेस भी कंटेम्पररी जो हमारे सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. वैसे तो खैर हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि इंसान को बने बनाए मिल जाते हैं, खून के रिश्ते. लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि खुद बनाया जाता है, चाहे वो फैमिली डिसाइड करे या इंसान खुद डिसाइड करे. तो जब आप खुद एक रिश्ता बनाते हैं तो उससे पहले दोनों इंसान एडल्ट होते हैं, यानी बहुत सारी उनकी आदतें पुख्ता हो चुकी होती हैं. फिर उसके बाद आपके सोशल चैलेंजेस हैं, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज हैं. तो इटसेल्फ लाइफ जो है वो इतनी ईजी नहीं होती है. अगर हार्ड ना भी हो तो लाइफ इज अ स्ट्रगल. दो लोगों का एक दूसरे को और पूरे निज़ाम को लेकर चलना, वो जहाँ पर बहुत मुश्किल है वहाँ पर अहम भी बहुत होता है. तो यस, और हर बदलते वक्त के साथ लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते. लेकिन मेरा जाती ये ख्याल है कि जो मुख्तलिफ रिश्ते हैं उनकी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए. जिस तरह का मियां बीवी का जो मुआशरती ताल्लुक है, जो कि हमसे दो जनरेशन या एक जनरेशन पहले होता था, वो अगर आप इस वक्त लेकर चलेंगे तो उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो एडवर्स हो जाएंगे आपके लिए. फॉर एग्जांपल, आज से दो जनरेशन पहले हस्बैंड का स्ट्रिक्ट होना या बीवी की चॉइसेस को कंट्रोल करना एक बहुत नॉर्मल सी और एक आम सी बात थी. और वो इसलिए भी वो बात चल जाती थी क्योंकि माशरे में औरतों का निकलना इतना कॉमन नहीं था. लेकिन आफ्टर टू जनरेशंस, लाइक 67 इयर्स डाउन द रोड नाउ, अगर कोई हजरत ये चाहें कि वो अपने दादा अबू की तरह अपनी बीवी पे खुद को इम्पोज करें, असर्ट करें और उसके मशवरे के बगैर और उसकी उसी के बारे में चॉइसेस करते चले जाएं, तो वो फिर उसके साथ इस वक्त का जो मुआशरा है वो गेट अलोंग नहीं करता. सो बायोलॉजिकली रिलेशन इज सिमिलर सिंस सेंचुरीज जब से इंसान बने, लेकिन सोशली बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. और उसके साथ रिजिडिटी ऑफ थिंकिंग रखना मेल या फीमेल का कि यू नो हमें एक सर्टन वे में लेके चलना है, वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए टू स्टार्ट विद. और नरगिस, जैसे यहाँ पर जो है I would say that research shows that even when both spouses work outside the home, the woman is usually the one who does more of the housework and chores. Obviously, this creates more stress for her. And but what's even more stressful beyond these daily chores is called
साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है ये रिसर्च है, हम दोनों खवातीन हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग किस बायस होके ये बात कर रहे हैं, ये रिसर्च है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। अच्छा देखें, ये और ये यूनिवर्सल है, ये इस तरह से भी है, हमने इकोनॉमिकली हम एडवांस हुए हैं, टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हुए हैं, लेकिन जहां पर आती है ना ताल्लुकात की बात, स्पेशली वुमेन को लेकर, वहां पर सिर्फ मियां और बीवी के रिलेशन में नहीं, जनरली मर्द और औरत के रिश्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मीटिंग हो रही है, और ये मैं फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रही हूँ कि ये उस खातून ने बताया जिसके साथ ये हुआ है, कि अगर मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में हजरात हैं और एक खातून उस मीटिंग में, तो जब चाय पीने की बात आएगी तो उस खातून की तरफ देखा जाएगा, एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि नो मैटर कि उस खातून का होता क्या है, वो कितना पढ़ लिख के मर्दों के शाना बशाना वहां पहुंची है, और ये अमेरिका की बात है, एक्सपेक्ट किया जाएगा कि चाय वो बना के देगी। और ये मेरे साथ भी हुआ कि हम लोग एक्टिंग की वर्कशॉप में थे, चाय पेश हुई, अच्छा तब ने मुझे देखा कि चाय मैं डाल के दूंगी, क्यों भाई, ब्रेक टाइम है, ट्रे रख दिया गया, हर कोई अपने कप में डाले और पिए, आई एम नॉट बेबी सिटिंग यू, मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें कि जब कोई औरत जॉब होने के बाद, प्रोफेशनल होने के बाद बीवी और माँ के ओहदे पे आती है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उसी की होती है। और मजे की बात मैं बताऊं, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ कि ये सिर्फ एशिया के या देसी फैमिलीज में नहीं है। अच्छा, मैं उसी एक यूक्रेनियन खातून से मिली, मैंने अमेरिकन खवातीन को देखा है, मुख्तलिफ कल्चर्स में मर्द मुख्तलिफ लेवल तक हेल्पिंग जरूर हो जाते हैं, लेकिन जैसा आपने पॉइंट आउट किया ना कि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि खातून जो मर्जी करते, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एट हर डोर, उसको करना है टू मैनेज फूड ऑन द टेबल, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि वो मर्द के साथ घर में एंटर होती है। और उसके बाद मतलब बहुत सारे घरों में ग्रोसरी खवातीन की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारी यहाँ पर देसी फैमिलीज हैं, और हम सबको पता है कि यूरोप और अमेरिका में हाउस एड्स या उस तरह मेड वगैरह की सहूलत जो है वो नहीं अवेल होती, तो घर के बुजुर्ग हैं, अगर उनकी तबीयत सेहत ठीक नहीं है तो वो नर्सिंग भी घर की बहू की जिम्मेदारी होती है। किसी वक्त अगर कंप्रोमाइज करना है, करियर में ब्रेक देनी है, तो खातून को कहा जाता है नर्स हायर नहीं की जाती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और ये भी रिसर्च है कि एक खातून के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 16 से 18 घंटे होते हैं। 16 से 18 घंटों में उसके कम्युनल रिलेशंस आते हैं, जैसे बिरादरी, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब का लेन देन है, दुख सुख में आना जाना है, बच्चों के स्कूल में आप देखें कि जो यहाँ के अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं उसमें मोस्टली मदर्स होती है, फादर्स अक्सर वो फादर्स जाते हैं जो सिंगल फादर होते हैं, अदरवाइज इफ दे आर टू तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मदर। तो आप सही कह रही हैं, विच एक्चुअली आई थिंक इट एजेस अ वुमन मोर क्विकली देन अ मैन, क्योंकि एवरी डे 24 घंटों में से अगर उसे 16 से 18 घंटे एक्टिव रहना है घर और घर के बाहर, और जहां भी थोड़ा सा कुछ नीचे ऊपर होगा सबकी पसंद का उसे ख्याल भी रखना है, तो years after years उसकी नींद, उसका खाना, सब चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो रही होती हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बहुत सारे घरों में औरत का थकना, जो फिजिकल फटीग है, वो किसी वक्त इमोशनल फटीग भी हो जाती है। 4 या 5 साल बाद जितनी भी मोहब्बत भरी शादी हो, औरत को लगता है कि मेरा शनाख्त कहाँ है। दूसरी चीज के कुछ शादियों में शोहर और बीवी के रिश्ते में फर्क आने लगता है, क्योंकि खातून की एनर्जी और स्टेमिना भी नहीं रहता, तो जब वो फर्क आता है तो फिर शोहर, चूंकि हम यहाँ से ट्रेन ही नहीं हुए औरत को रिलीज करें, रिलीफ दें उसको किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो हम उसको कहते हैं कि तुम मुझे इग्नोर करती हो, हस्बैंड अमूमन प्यार में गिला करते हैं, जी मैं इग्नोर हो रहा, तुम मुझे अब उतनी तवज्जो नहीं देती हो, जब से बच्चे हुए हैं। तो बात ये नहीं है, बच्चे सिर्फ उसके नहीं हुए, ठीक है, बच्चे आपके भी हुए हैं, सही, और जाहिर बात है बच्चे बीमार भी होते हैं, बच्चों को अपना नफा नुकसान भी पता नहीं होता, बच्चा स्विच में भी हाथ डाल सकता है, बच्चा आग को भी हाथ डाल सकता है, तो एक मदर जो है उसको यहाँ से रिलीफ करने का रिवाज नहीं है। सो आई थिंक वी हैव टू स्लाइटली थिंक अबाउट
कि हमने सारी रिवायती जिम्मेदारियां डालने के साथ साथ आज की औरत को जो जदीद दौर उसके ख्वाब भी दिखाती हैं कि तुम सीईओ भी हो सकती हो, तुम ये हो सकती हो, तुम वो भी हो सकती हो, तो हमने उसको ऐड कर दिया है, लेकिन पिछली जिम्मेदारियां हमने कम भी नहीं की। और मजे की बात यह कि बहुत सारे घरों में जवान बेटियां जो कि अभी गैर शादीशुदा हैं कॉलेज में पहुंच जाती हैं, रिवाज ही नहीं होता कि वो माँ की हेल्प करें, ये भी रिवाज नहीं डाला। बिल्कुल पॉइंट आउट सही किए कि बच्चों को भी आदत नहीं होती है इतनी ज्यादा कि हेल्प आउट करने की, जैसे होता है हम लोगों को होता था कोई बड़ा काम कर रहा है तो ओ ये अकेले काम करने जल्दी से खड़े हो गए, तो वो दैट इज नॉट नोटिसेबल कि इस तरह पे अटेंशन ही नहीं होती है। डिविजन ऑफ लेबर जो है नरगिस, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इशू है, बिग इशू। तो इसमें लैक ऑफ बैलेंस हो जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं ड्रामा देख रही थी तो उसमें उन्होंने यही पॉइंट आउट किया था ड्रामे में कि जो है वो सारे काम जो है घर की जो बहू है या बेटी है, बहू कहेंगे तो उसने संभाला हुआ है, तो एक दिन जो है हस्बैंड को चाय बनानी पड़ी तो उसको नहीं मालूम था कि जो है वो टी बैग्स कहाँ रखे हैं, शुगर कहाँ रखी हुई है, तो उसको थोड़ा वो हुआ कि आप तुम आके मुझे बताओ, मुझे तो नहीं मालूम है। दैट इज वेरी नॉर्मल, उन्होंने दिखाया कि दैट इज वेरी नॉर्मल कि लोगों को, लड़कों को, शोहरों को नहीं आइडिया होता, लेकिन उसमें आखिर में जो है कंक्लूड यही किया था कि उस हस्बैंड ने रियलाइज किया और फिर कहा था कि नहीं तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। और मैं बताऊँ, ये वैसे बड़ा अच्छा मैसेज है क्योंकि मेरा जाती ख्याल है, और वेल दिस इज अ बायोलॉजिकल रियलिटी, कि एक फीमेल की जो हेल्थ है उसके फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अ मैन। शादी के बाद जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो एक फीमेल के लिए ज्यादा ड्रेनिंग होती है। ड्रेनिंग होने के अलावा जब वो माँ बनती है तो उसके लिए वो तजर्बा बड़ा ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और एक जो निस्वानियत और खूबसूरती है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 100% लड़कियां इस पे खुश होंगी, वो इस पे माँ बनने पे जरूर खुश होती हैं, लेकिन जो मुआशरा सिखाता है तो उन्हें एक फिक्र होती है अपने हुसन की, अपनी सेहत की, और ये पेल्पिटेशंस आना सुबह शाम ये एक अच्छी फीलिंग नहीं होती है। और 9 महीने की सिकनेस है, ये मेडिकली प्रूवन है कि वो आप एक सिक बॉडी होते हैं, लेकिन उस दौरान खवातीन हाउस जॉब भी करी होती हैं, जॉब्स भी करी होती हैं, और समटाइम्स वो फुल टर्म पे काम करी होती हैं, और अगर वो घर में भी होती हैं मैंने नहीं देखा कि उनको कोई बहुत ज्यादा रेस्ट देता है। कॉन्सेप्ट ये होता है जी चलते फिरते जरूर रहना चाहिए, बट शी शुड लिसन टू हर बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जिस चीज का डर लगता है, और आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि अनफॉर्चुनेट हमारी कुछ बहनें बेटियां जब उनको जिसे कहते हैं ना ड्यू रेस्ट नहीं मिलता, एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, इलनेस को और सिकनेस को फेक करती हैं। छोटी छोटी एक्ट्रेस बन जाती हैं, उनको दर्जा 2 की यानी लेवल 2 की सिकनेस होगी तो लेवल 4 बताएंगी, क्योंकि एज अ ह्यूमन उनका भी कभी रेस्ट करने को दिल करता है, जेन्युइनली वो कहेंगी कि आज मेरा दिल नहीं है तो कौन मानेगा, तो कभी तो छुट्टी चाहिए होती है। और फिर जब हमारी ईदें होती हैं, माशाल्लाह हम कितने अच्छे त्यौहार मनाते हैं, तो घरों में सबसे लेट मेरे ख्याल में तैयार होने वाली यंग माई होती है, बिल्कुल उन्होंने सबका करना होता है, सबसे ज्यादा किचन में उनका, और बकर ईद पे स्पेशली। बिल्कुल। मैं कहती थी कि इतना तैयार होकर फिर किचन में ही तो जाना है, सो व्हाई सो, और इतना यू हैव टू हैंडल सो मच मीट और इतने फैंसी कपड़ों में, व्हाई वुड यू डू दैट। कई दफे तो शाम 8 बजे जाके ईद की तैयारी करते थे कि अच्छा अब हम फारिग हो गए, सुकून से चाय का कप लेके बैठेंगे, अब तैयार। तो खवातीन का जो डिविजन ऑफ लेबर है प्यार प्यार में, हमने उन्हें बिला वजह का स्ट्रेस दिया हुआ है, और ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है किसी ने प्लान किया है, बस हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि यू नो ये भी हो सकता है कि अगर घर में 4 चीजें पकनी है तो घर में जो खवातीन है वो आपस में बांट लें। बिल्कुल। अगर किसी दिन अनमैरिड नंद बना लेगी या किसी की जवान बेटी उठ के बना लेगी तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे घरों में, अक्सर घरों में मैंने नोट किया है कि जब बारबेक्यू होता है तो मर्द हजरात सामने आ जाते हैं, तो कुछ और चीजों के लिए क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। द अदर वे अराउंड भी बात करते हैं, समटाइम्स जो है चेंजेस आई हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उसको भी, उन चीजों को भी मिस यूज किया खवातीन ने।
कई घरों में ऐसी भी आपको सिनेरियोस नजर आते हैं कि उन्होंने उनको जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटीज मिली हैं या शोहर जो हैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन लोगों ने भी उसको मिसयूज किया है। एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जो है ना मिसयूज करना, फैसिलिटी को या किसी के स्पेस देने को मिसयूज करना, मेरा जाती ख्याल है ज़र्फ होता है। और ज़र्फ जो है वो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, यानी आपने देखा होगा औलाद में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर माँ बाप उनके लिए कुछ करें तो बड़ा रिगार्ड करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बिहेवियर से लगता है कि वो वैल्यू कर रहे हैं कि पेरेंट्स ने हमारे लिए ये किया है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने तनतने में फिरते रहते हैं कि देयर पेरेंट्स इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी तरह से चूंकि माँ बाप का रिश्ता एक बड़ा सेल्फलेस सा होता है, मैंने इसलिए औलाद और माँ बाप की मिसाल दी है, शोहर और बीवी के दरमियान में जब औरतों को इंडल्ज किया जाता है, बहुत सारे हजरात हैं उनको अपनी बीवियों को गिफ्ट देने की आदत होती है, एंड आई नो फर्स्ट हैंड कुछ ऐसे मुझे कपल्स पता है चंद के जिनमें ऐसा हुआ है कि हजरत थक गए हैं मोहब्बत निछावर करके लेकिन मोहतरमा खुशी नहीं हुई। तो, हाँ जी, मतलब ऐसा भी हुआ है कि अगर शौहर ने सालगिरह पे सूट दे दिया है तो ये कहा कि ये क्या बात है, सूट तो लास्ट टाइम पे भी दिया। और ऐसी भी बीवियां हैं जिनको 5-5 साल शौहर बर्थडे गिफ्ट विश ही नहीं करते, गिफ्ट ही नहीं देते, और वो कहती हैं कि अच्छा भूल गए होंगे, बिजी होंगे, बजट नहीं होगा। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी की मोहब्बत को हैंडल करने की, और ये नसीब भी है टू बी थैंकफुल एंड टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स लाइक लव एंड अफेक्शन ऑफ समवन। ये ज़र्फ होता है और होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली ये कुछ नहीं होता। और ऐसे केसेस काउंसलिंग में आते हैं मेरे पास, बल्कि मुझे काउंसलिंग शुरू करके कुछ मर्दों से हमदर्दी हुई है जो बच्चों के नाम पे ब्लैकमेल भी होते हैं अपनी खवातीन। अच्छा एक और चीज भी मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँ कि मैंने ऐसी भी एक दो बीवियां देखी हैं जो मेरे पास केसेस आए हैं कि उनके शौहर उन पे बहुत पैसा निछावर कर रहे हैं, बहुत पैसा, लेकिन जहां भी हस्बैंड ने कहा ना कि ये $5 या $10 यहाँ कंसीडर क्यों ले लिया या, तो वहां पे घर में एक सीन क्रिएट, उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड है, हस्बैंड उनके लिए ATM है, उसमें हस्बैंड की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है या वो घर पे वक्त नहीं, उनको उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है उनका लाइफ। मेरे सामने दो ऐसी एग्जांपल्स हैं एंड बोथ फैमिलीज आर पाकिस्तानी, बोथ फैमिलीज आर इन, जहां पे बीवी बच्चों के खर्चे की वजह से हजरत ने अलहदगी इख्तियार की, बिकॉज व्हेन द पर्सन लाइक एक ने तो लेट 30s में की, एक ने 40s में जाके, क्योंकि जब आप मिडिल एज में जाते हैं ना तो एवरीवन इज हिट बाय मिडिल एज क्राइसिस, आपकी बॉडी आपको बताने लग जाती है कि अब सर्दी जल्दी लगती है, अब आप बीमार जल्दी होते हैं, अब वो स्टेमिना नहीं है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कमा कमा के ना बच्चे, अच्छा अब्बू कहते हैं ना मोहतरमा मेरी तारीफ करती हैं कि आई एम हैप्पी विद यू हस्बैंड, यू आर डूइंग अ लॉट, थैंक यू। तो फिर वो हजरत को एक्नॉलेजमेंट हर इंसान को चाहिए। तो मैंने ऐसे दो केसेस देखे हैं जहाँ पे उन बंदों ने औलाद होने के बावजूद वफादार बीवियां, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि एक्नॉलेजमेंट नहीं थी और खर्चा इतना था कि बंदों के पूरे नहीं पड़े। तो यस आई थिंक दिस इज बोथ, एक्नॉलेजमेंट इज द की ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ लेग्स थ्रू, वो होना चाहिए, उसको आप अपनी जिंदगी में शामिल करें, उसको आसान करें, दूसरे का भी ख्याल करें, इधर फ्रॉम वाइफ साइड या हस्बैंड साइड दोनों का ख्याल करना चाहिए। एग्जैक्टली फाइनेंस की बात कर रही है नरगिस, आप सम पीपल्स पीपल आर स्पेंडर्स अदर्स आर सेवर्स, तो इस तरह के आपने देखा होगा कपल्स कि उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि जैसे अगर कोई है कि जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं सेव करूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड यूजली तो वैसे हस्बैंड सेव कर रहे होते हैं, बीवी स्पेंडर होती है, तो उनमें क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे आपने केसेस देखे? अच्छा ये भी ना बोथ वेज होता है। अच्छा ये भी बोथ वेज होता है, एक आई थिंक हम सब में एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, मैं खुद कोशिश कर रही हूँ इस चीज को मैनेज करने की कि एक इकोनॉमिक लिटरेसी और इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बहुत सारे खर्चे होते हैं जिंदगी के,
और हमें अंदाजा ही नहीं होता कि रस्म और रिवाज के चक्कर में बहुत सारे गैर जरूरी खर्चे होते हैं। और मेरे से लोगों को ये बहुत ज्यादा गिला होता है कि मैं बहुत सारी पार्टीज पे, नेटवर्किंग इवेंट्स पे और कम्युनिटी इवेंट्स पे नहीं जाती। मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि मैं ऑफिस में 10 बंदों के साथ काम कर रही हूँ, मेरा बेटा स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ रहा है, हम रात गए, हम जिम जाते हैं, हम अपनी अपनी क्लासेस में, हम वापस आते हैं तो जाहिर बात है वो अपने होमवर्क में अपना काम कर रही होती हूँ। तो अगर मैं वीकेंड्स पे भी कम्युनिटी में चली जाऊँ, वो बच्चों के ग्रुप में है और मैं खवातीन के ग्रुप में हूँ, तो मैं और मेरा बच्चा 3 महीने बाद हम एक दूसरे से डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने जो फैमिली टाइम करना है वो वीकेंड में ही करना है, 1-to-1 करना है। दूसरी ये चीज है कि सीरियसली इफ आई कम टू फाइनेंस, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी हक हलाल की कमाई में से इतनी ढेर सारी ड्रेसिंग, इतना ढेर सारा लेन देन मैं वो अफोर्ड करूं विद 50+ देसी फैमिलीज जिनका मैं कल को अगर बीमार हो जाती हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, शायद उनके पास वक्त भी नहीं होगा मुझे मिलने। क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग मुखलिस नहीं होते, लोग रेलिवेंट नहीं होते। तो हमने अपने ऊपर बहुत से ऐसे खर्चे लगाए होते हैं जो बाज़ुकात बीवी को जरूरी लग रहे होते हैं, नहीं होते, बाज़ुकात शोहर को जरूरी लग रहे होते हैं और नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की थीम बर्थडे है, जैसे थीम ओरिएंटेड बच्चों की बर्थडे है, फिर उसके बाद हम लोग चैरिटी की बजाय हम ईद पर, शबरात पर, माह रमजान में हम लोग समटाइम्स कुछ फैमिलीज दिखावा ज्यादा कर जाते हैं, और उसमें से यानी अफ्तारियां जो हैं वो अमीर दोस्तों के लिए जो इन एनी केस अपने घरों में बहुत अच्छा बना के खा सकते हैं, हम अफ्तारियां बहुत उस तरह की कर रहे होते हैं, हम चैरिटी कम कर रहे होते हैं। तो अगर वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है इस्लाम में कि किसका पैसा और किसकी मर्जी, क्योंकि जिसकी मर्जी है फिर उसी की जिम्मेदारी है। अब अगर शोहर अपनी कमाई से बीवी को दे रहा है तो उसको तो फिर सदका भी शोहर से पूछ के देना चाहिए क्योंकि वो अमानत है, अनलेस के उसका एक अलग से अलाउंस रखे जो के है कि हाँ बीवी का अलाउंस बेसिक होना चाहिए। अगर बीवी खुद अपना कमा रही है तो ये भी हमारे मजहब में है कि औरत अपनी कमाई और अपनी जायदाद की खुद वारिस है, आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप उसके फाइनेंशियल डिसीजन पे खुद को इम्पोज नहीं कर सकते जी। तो वो जो हम बहस में पड़ जाते हैं ना कि तुमने वहां 5,000 क्यों लगाया और मैंने यहाँ सही लगाया या गलत लगाया, वो दूसरी चीज है इमोशनल मैच्योरिटी। घर के जैसे हर मुल्क के डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे घर के डिपार्टमेंट होते हैं। जो मैंने अपने घर में देखा था कि हमारे घर में किचन रिलेटेड जो भी खर्चा होता था अब्बू मशवरा देते थे, अब्बू इम्पोज नहीं करते। और ऐसा होता था कि अगर घर में कोई चीज चाहिए, कोई फैसिलिटी, कोई अप्लायंस है जो कि चाहिए, तो अब्बू उस पे अगर पैसे उस वक्त नहीं देते थे तो वो टाइम बाय करते थे। अच्छा, टाइम बाय करने का मतलब ये नहीं होता कि फिर आप टालते हैं, आप टाल नहीं रहे, जब पैसे आएंगे आप वो जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन आप खातून से बहस नहीं कर सकते बिकॉज़ शी इज होम मिनिस्टर, वो मैनेज कर रही है, सिस्टम चला रही है। इसी तरह से जो बाहर का लेन देन है, जो मर्द का अपने खानदान से, औरत का अपने खानदान से लेन देन है, मेरे ख्याल में वो उनके ऊपर रहना चाहिए, उनकी मर्जी से होना चाहिए और एक दूसरे को तंग नहीं करना चाहिए। सो दिस इज काइंड ऑफ बैलेंस, जैसे आप सीसा का कर रहे होते हैं। और आपने कहा कि मर्द ज्यादा सेविंग करते हैं, मैंने खवातीन को ज्यादा सेविंग करते देखा, मैंने बहुत कम खवातीन देखी है। और ये जो खवातीन की लॉट है ना ज्यादा खर्चा करने वाली, ये वो खवातीन है जो कि ये इस डिजिटल दौर की लड़कियां हैं जो अभी न्यूली मैरिड हैं, जिनको ब्रांडेड लहंगे चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि एक राजस्थानी कल्चरल लहंगे की क्या ब्रांड है। ब्रांड इज समथिंग विच इज एक्सक्लूसिव, विच इज न्यू, समथिंग विच इज नॉट न्यू एंड यूनिक दैट इज नॉट अ ब्रांड, वो क्लासिक है। तो जो चीज क्लासिक है और वो आपका लोकल कारीगर बना रहा है, आप उस पे, पाकिस्तान में आपको पता है ब्राइडल ड्रेसेस पे लाखों लगते हैं और वो एक दफा पहना जाता है। इसी तरह से थीम बेस्ड आपकी जैसे शादियां हैं, फिर वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, अच्छा अब तो मंथली एनिवर्सरीज मना रहे हैं लोग, और वो बच्चियों की फरमाइश होती है। आजकल की बच्चियां अपने शोहरों की मोहब्बत को इस चीज पर वो करती हैं कि वो कितनी महंगी चॉकलेट दे रहा है, फ्लावर कितने महंगे आ रहे हैं। तो आई थिंक नहीं, दिस इज समथिंग जो कि नहीं होना चाहिए आजकल की बच्चियों में ये चीज। आपने रिकॉल किया कि जैसे हम लोगों ने जो देखा है अपने घरों में सिस्टम देखते आ रहे हैं, उसी के यूज्ड टू थे, उसको आपने रिफ्रेश किया, रिकॉल किया है। अब जो है वो चीजें जो है नॉर्मल नजर नहीं आती हैं कि जो अब ये वाला सिस्टम जो है औरत ने संभालना है, ये सिस्टम आदमी ने संभालना है, वो आइडिया ही खत्म हो गया है।
आइडिया खत्म हो गया, क्योंकि हमारी जो आजकल की बच्चियां हैं ना, उन्होंने अपने हकूक के अजीब और गरीब जो नोशन है वो याद कर लिए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने सारी निकालने की वो कोशिश करी है, यहाँ तक के वो बड़ों का एहतराम भी अपनी जब वो राइट्स की बात करती हैं तो वो उनका एहतराम करना भी जरूरी नहीं समझती। और मेरी इस मामले में कुछ यंग बच्चियों से इस बात पे बहस हो चुकी है कि ठीक है आपने बात करनी थी, लेकिन क्या बात तमीज से की जा सकती है उससे। मतलब एक खातून, मेरे पास एक केस आया जिसमें मुझे ये कहा गया कि खातून के हस्बैंड हैं और वो उनको कल से मार रहे हैं, यानी एक दिन पहले से वो अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है और उसका मुंह सूज चुका है और उसने उसे बांधा हुआ है। उसने नौकरानी से कॉल कराई है क्योंकि हस्बैंड मार मार के थक गया है, तो वो ब्रेक पे बाहर जूस लेने गया घर से। यूएसए की बात कर रही हैं, पाकिस्तान की बात है, डिफेंस की बात है, पढ़े लिखे हस्बैंड वाइफ है, दोनों प्रोफेशनली डिग्री होल्डर हैं, दोनों वर्किंग हैं, लव मैरिज है। तो हम गए, हमने उसको वहां से घर से लिया और उनको उनके मायके छोड़ा, उनके घर वालों को इन्वॉल्व कराया, हस्बैंड जो है उनका फोन पता नहीं फेंक गए थे, व्हाटएवर। जब बाद में हमने काउंसलिंग स्टार्ट की तो मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं उस बच्ची की काउंसलिंग कर रही थी, 23-24 साल की वो बच्ची, अफसोस और दुख था और मैं बड़ी परेशान थी कि उसने इतनी मार खाई है, नजर आते थे नील। तो मैं जब मैं बात कर रही थी तो मैं खुद डिस्टर्ब थी, लेकिन मुझे एक अजीब सी इरिटेशन उससे होती थी। इरिटेशन इसलिए होती थी कि जब हम उसको देखें, जब आपके सामने कोई इमोशनल प्रॉब्लम लेके आता है, इस तरह का कोई रिलेशनशिप का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आप उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, सिचुएशन एक्सप्लेन करके आप उसे बताते हैं कि देखो यहाँ पे चीजें इस वजह से हाथ से बाहर गई हैं, तो इतनी आपकी गलती है, इतनी दूसरे की गलती है, कभी भी किसी एक की 100% गलती नहीं होती। ये ह्यूमन रिलेशंस हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, इसमें कोई होता है जो कि डिसाइड कर लेता है कि मैंने अब कॉन्फ्लिक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो पहले आवाज ऊंची करता है, जो पहले कोई बिर्च तोड़ता है घर में। तो हम उन चीजों को पूरा कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उनसे पूछते करते हैं। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इनकी अम्मी को कमीनी कहा था। अच्छा। आपका सिर्फ अपनी सास को कमीनी कहना सिर्फ नहीं होता, झगड़ा था कि सास ने ईद कम दी थी। अब आप सोचें, हस्बैंड आपको डिफेंस में रख रहा है, हस्बैंड आपको कह रहा है कि अच्छा तुम जॉब मत करो, और मैं आपको बता नहीं सकती, उस बच्ची के जूते भी, स्लीपर भी 6,000 रुपए से कम के नहीं थे, उसकी घड़ी आपको एक पूरी वर्थ पता चलती है ना, हस्बैंड नहीं लेके, एक ही शहर में होते हुए अलग घर में रखा है क्योंकि आपसे मोहब्बत करता है और आपको अलग किचन चाहिए और आपके सारे लाड पूरे कर रहा है, फिर डेली आउटिंग का भी एक आजकल नया ही लाड है हमारी बच्चियों का, डेली आउटिंग करती है, पता नहीं डेली आउटिंग में फिर मजा कैसे आता है, बिकॉज एनीथिंग व्हिच हैपेंस डेली इज अ रेगुलर थिंग, इट इज नो मोर एक्साइटमेंट, राइट। लेकिन आप सिर्फ ईद के लिए, सिर्फ ईद के 2-3 हजार कम ऊपर होने के लिए किसी की माँ को गाली कैसे दे सकती हैं? फिर आपकी प्रोफेशनल डिग्री, आपका हुसन, आपका फैशन, आपका स्टाइल, आपकी लव मैरिज कहाँ जाती है? तो फिर उसने जब हाथ उठाया तो फिर गाली गलूच हुई, तो उसमें फिर सो समटाइम्स हमारा खुद का जो बिहेव, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि उसके हस्बैंड को हाथ उठाना या इतना उठाना चाहिए था, बट द थिंग इज के समटाइम्स हम अपने पाओं पे कुल्हाड़ी मार बैठते हैं, वी टेक वर्स्ट आउट ऑफ द अदर पर्सन, अपने बिहेवियर से हम उसकी बर्दाश्त को आजमा जाते हैं, फिर उस आजमाइश के बाद जब उसका इंसान सो जाता है और उसके अंदर का जानवर जाग जाता है, फिर वो कितना जागेगा वो तो फिर हमारी बदकिस्मती हो सकती है, जो भी उसका लेवल हो या जिस तरह से भी। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ यू नो मिसमैच्ड थिंग। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर केस ऑफ अ यंग कपल, पाकिस्तान से ही था वो, उसमें बच्ची जो प्रॉब्लम कर रही थी वो डायरेक्टली नहीं कर रही थी, किसी के कहने पे व्हाटएवर कर रही थी, छोटी उम्र की लड़की थी वो, तो उसके हस्बैंड को मैंने कहा तुम्हारा एंगर का प्रॉब्लम है, अच्छा, एंड यू शुड गो फॉर एंगर मैनेजमेंट। आप देखें कि वो 27 साल का लड़का था, वो जेन्युइनली 6 महीने एंगर मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट पे रहा है, अच्छा, राइट। सो समटाइम्स पीपल कोऑपरेट, समटाइम्स दे डोंट। ये जिस बच्ची ने अपनी सास को गाली दी, और जब मैंने उसे मेंशन किया, आप सोचें कि वो मेरे से काउंसलिंग लेने रुक गई। तो आजकल की जो बच्चियां हैं उनमें आपको आपको उस तरह की कंफ्यूज्ड वाइल्ड थॉट्स मिलती हैं, जो कि अपने राइट्स को बहुत ही एब्सोल्यूट और यूज करना, हाँ, टोटेलिटी तक ले जाती है कि सारे हकूक ही हमारे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज भी बढ़ती जा रही है, नजर आती है ये कॉमनली कैसा हो रहा है। और आप तो काउंसलिंग करती है, आपके पास तो और भी केसेस ऐसे नजर आते होंगे। जी, और मुझे तो बच्चे ये भी कहते हैं समटाइम्स, कोई लैंग्वेज यूज करके कहते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, ये हमारी जनरेशन की बात है। बिल्कुल ये भी है। तो वो मुझे बताते हैं कि मैं इस जनरेशन की नहीं हूँ, आई एम एन ओल्ड वन। तो लेकिन कुछ बच्चे देखें मुझे इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अभी कुछ ऐसी बच्चियां हैं मेरे सामने, एक फैमिली ऐसी आई है जिनका कोई भाई नहीं है, और माशाल्लाह बहुत कमेंडेबल बच्चियां हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स का बड़ा साथ दिया है और अपनी शादियों में इस चीज़ को शर्त रखा है कि हम अपने पेरेंट्स के करीब रहेंगे, जहाँ पे हम उन्हें डेली विजिट कर सकें, और मतलब स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन उस तरह के गलत हकूक वाली बच्चियां नहीं हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान से, आपको शायद आपने वो खबर पढ़ी हो, एक ही घर की पांच बच्चियां सीएसएस ऑफिसर बनी हैं, पांचों बेटियां हैं उनकी। तो वो एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं, बड़ी हमारे पास कमेंडेबल स्पोर्ट्स में बच्चियां हैं हमारे पास, तो वो भी हैं। लेकिन ये हकीकत है कि यस, देखें मेरा ये ख्याल है कि मैंने इमोशनल इंजीनियरिंग पे इसलिए काम शुरू किया था कि हमें ये बहुत, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि जो हम महसूस कर रही हैं वो हम क्यों महसूस कर रही हैं, और ये स्पेशली ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो देखें जो हार्मोनल साइकिल है ना, वो हमें तो मालूम होता है कुछ खास दिनों में, लेकिन नहीं, वो 28-29 दिन एक्टिव होता है, उसके लेवल्स चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ ग्राफ ऑफ एक्टिविटी होता है, और वो हर किसी में जेनेटिकली डिफरेंट होता है। और ये इस पे लतीफे बने हुए हैं, लेकिन ये गलत नहीं है कि हो सकता है खातून किसी एक मूड में सोए और सुबह किसी और मूड में उठे, क्योंकि वो जो 8-10 घंटे की नींद के दौरान उसका यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका थायराइड ग्लैंड है, उसके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो कौन से हार्मोन्स जनरेट कर रहे हैं, कम है, ज्यादा है, बैलेंस्ड है, उस हिसाब से उसकी शख्सियत होती है। तो किसी बेटी को उसकी तरबियत करना बहुत ज्यादा केयर का काम है, बहुत ज्यादा बैलेंस का काम है, क्योंकि उस बच्ची को ये मालूम करवाना चाहिए कि बेटा तुम्हारी जो इमोशनल फ्लक्चुएशन है तो वो एक मर्द की निस्बत ज्यादा होगी, तो तुम्हें विजिलेंट रहना है। जैसे आपका घर अगर नहर के किनारे है तो आप रोज देखते हैं कि पानी मेरे घर की दीवार के कितना करीब है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एज अ वुमन आपको पता होना चाहिए कि मेरी इमोशनल फ्लक्चुएशन हो सकती है, आज मैं इस वजह से बुरा महसूस कर रही हूँ, आज जैसे आपको पता है जी मेरे पिंपल क्यों आ रहे हैं, के बच्चों के प्यूबर्टी मार्क्स आते हैं, अगर आपको ये पता है तो आपको ये नहीं पता कि आज मेरा सर क्यों गर्म है, आज मुझे छोटी बात बुरी क्यों लग रही है, ये छोटी बात तो परसों मैंने इग्नोर कर दी थी। फिर जो घरों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हजरात और खवातीन को लेकर, के खवातीन की समझ बूझ मर्दों से कम नहीं है, खवातीन की समझ बूझ का जो अंदाजे नजर है वो अलग है, हमारा EQ अलग है, हमारा इमोशनल क्वोशेंट चूंकि अलग है, और ये मेडिकली प्रूवन बात है, तो हम इमोशनली चीजों को देखती हैं हर चीज को। इसे इस पे भी मेरा भाई मेरे पे हंसता है, छोटा भाई मुझे कहता है कि तुम फिल्मी हो, तुम हर चीज को, बट यस लाइक आई एम प्राउड टू बी अ वुमन, क्योंकि मुझे हर बच्चे की तकलीफ होती है, बिकॉज आई एम अ मदर, मुझे हर वो माँ जिसका मैं सुनती हूँ उसको कैंसर हुआ है मुझे तकलीफ होती है, बिकॉज एज अ डॉटर मैंने अपनी माँ को देखा था, तो जब से मेरी बहन को तकलीफ हुई कैंसर की तो तब से, सो यस एज अ वुमन I am more emotional and I think इस चीज को positively use करना चाहिए और इस चीज की awareness होनी चाहिए। तो जब हम बीवी के रूप में जाते हैं ना, तो बीवी के रूप में जाके हमें मालूम होना चाहिए कि जब औरत conceive करती है, conceive करने के साथ भी उसके hormones की activity different हो जाती है, और वो जानबूझ के नहीं कर रही होती। फिर आपका prenatal और postnatal depression आता है, कुछ बच्चियों को पहली दफा जब किसी मर्द के साथ उनका राबता कायम होता है तो वो उस राबते से भी डिप्रेशन में चली जाती हैं। लेकिन इस चीज को कोई एक्नॉलेज नहीं करता, क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि शादी तो खुशी, शादी खुशी की चीज है, लेकिन आपने एक लड़की को 20 से 25 साल ये बताया है कि एडल्ट कंटेंट पढ़ना नहीं है, एडल्ट कंटेंट देखना नहीं है, मॉडेस्ट रहना है, लेकिन फिर वलीमे का जो सुन्नत खाना है उससे पहले उसने अज़दवाजी ताल्लुक कायम करना है, वो मेंटली कितना इजी होगी उस अज़दवाजी ताल्लुक को कायम करने के लिए, और उसका जो नया शौहर है जो खुद भी लड़का ही होता है, यानी उसकी भी इतनी एज नहीं होती, उसकी कितनी सेंस होगी कि वो उसे मेंटली प्रिपेयर करेगा। सही, तो हमें उस इमोशनल बैटल का अंदाजा नहीं होता जिससे एक लड़की गुजरती है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है।
फिर बाजू का बच्चियां पढ़ाई के दौरान शादियां हो जाती, हाउस जॉब के दौरान हो जाती, करियर छुड़वा दिए जाते हैं, घरों में सख्त लहजा इस्तेमाल किया जाता है, जज किया जाता है चाल ढाल पे, खाने पीने पे। फिर जब वो माँ बनती है तो उसकी बॉडी कमजोर होती है लेकिन नींद कम्प्रोमाइज होती है, बच्चा हर दो घंटे में उठ रहा होता है। बिल्कुल, यही अभी मैं बात ही करने वाली थी कि चिल्ड्रन कैन बी स्ट्रेसफुल टू। So, हम कहते हैं कि वो मदरहुड को चेरिश करें, लेकिन मदरहुड को चेरिश करना जो है वो इमोशनली ओवरवेलमिंग है और फिजिकली बहुत ड्रेनिंग है। और फीडिंग अ बेबी, इस चीज पे भी लोग अक्सर बात नहीं करते, ये खवातीन के बीच में छोटी छोटी विस्पर्स में ये बात चलती रहती है। और जब पहली दफा कोई माँ, यानी जो फर्स्ट बेबी की दफा कोई औरत बच्चा फीड करी होती है, वो कितना पेनफुल होता है, वो बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, वो माँ के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, और फिर अगर वो सर्जरी से गुजरी या व्हाटएवर, तो उसके बीच में फिर उसको झिड़कियां पड़ रही होती हैं सगी माँ से, सास से। अच्छा, झिड़की नहीं भी पड़ती तो उसको ऐसे बात करती हैं जैसे वो हमेशा से माँ बनती चली आई है। तो एक्चुअली बिकॉज मुझे तो जब एक नर्स ने झिड़का था कि इट हैपेंस विद एवरीवन, मैंने कहा बट इट्स हैपनिंग फर्स्ट टाइम विद मी। सी, सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, एवरी लेडी इज नॉट अ डॉक्टर हु गोज थ्रू दीज थिंग्स। तो आपने तो थ्रेटिकली भी गो थ्रू नहीं किया होता। और आप अपने हस्बैंड की बात करें कि उनको अंडरस्टैंड करना डिजायर, वो भी एक यंग, लेकिन हमारे जो माएँ होती हैं, सास हैं या माँ हैं, तो उनकी तरफ से भी ऐसा लगता है कि वो भी उनको समझ नहीं पाती हैं उन फीलिंग। हाँ, वो उनको होता है कि बस ये हर चीज को एक्सेप्ट कर ले भी। अच्छा, चूंकि यंग हस्बैंड्स जो हैं मेरे ख्याल में वो खुद ओवरवेलमिंग होते हैं। साइंस ये भी कहती है कि जब एक खातून माँ बनती है तो वो स्टेजेस से गुजरती है, तो फादरहुड को लेके एक मेल भी साइकोलॉजिकल और हार्मोनल स्टेजेस से गुजरता है। तो उसमें मुख्तलिफ बिहेवियर जो है, अब देखें, एक चीज है फिजिकल चेंज, एक चीज है साइकोलॉजिकल, लेकिन हर इंसान अपनी जहन और सोच को बिहेवियर में कैसे लाता है। कुछ लोग बड़े डॉटिंग किस्म के फादर्स होते हैं, अपने बच्चे को उठाएंगे, हेल्प करेंगे, प्यार करेंगे, सुलाएंगे झुलाएंगे। कुछ होते हैं वो बिल्कुल ही शर्मा के साइड हो जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको बच्चों से अवर्जन होती है, क्या रोने वाला पीस दुनिया में आ गया, ये तो सिर्फ सोता हुआ अच्छा लगता है। समटाइम्स हस्बैंड्स दे लीव द बेडरूम। डिफरेंट सोशल बिहेवियर्स होते हैं क्योंकि वो भी तैयार नहीं होता। मुझे गोरों में जो चीज अच्छी लगती है कि देखें, शादी से पहले कपल काउंसलिंग अवेलेबल है, हालांकि यहाँ लोग ओपन रिलेशनशिप्स में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप शादी कर रहे हैं ना, तो आप सोशली फाइनेंशियली कमिटमेंट में जा रहे हैं। उस कमिटमेंट को लेकर फिर आपके फैमिली विजिट्स, फैमिली गॉसिप, दोनों तरफ के रवैये मैनेज करना, वो काउंसलिंग होती है, एंड यू आर टोल्ड के किस चीज की तैयारी। फिर यहाँ पे आप देखें कि जब पहला बच्चा होता है तो उसके लिए भी आपके ट्रेनिंग और योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग के सेशंस मुख्तलिफ क्लब्स में होते हैं, और वो कपल सेशंस होते हैं कि मर्द और औरत दोनों को जहनी तौर पर तैयार किया जाए, किस चीज पे घबराना है, किस पे नहीं घबराना है। यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक क्विक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि हमारे देसी जो हैं इन सेशन से फायदा उठाते हैं, और दे अवॉइड टू टेक दोस सेशंस? देसी में आई थिंक जो यंग लॉट है दे डू, बट हमारे यहाँ पेरेंट्स ये समझते हैं कि चूंकि हमने इसके बगैर काम चला लिया था, ये भी चला लेंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग समथिंग। यंग जनरेशन में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो बार बार काउंसलिंग की तरफ जाएंगे। मुझे खुद, मेरी फ्रेंड्स के बच्चे कॉन्टेक्ट करते हैं और वो पेरेंट्स को नहीं बताते कि वो मेरे से काउंसलिंग ले रहे हैं, और एट अ पॉइंट वो मेरे से भी कुछ चीजें छुपाते हैं। सो हमारे जो बच्चे स्पेशली यहाँ पर है ना, यंग से मुराद जो हमारे 20s और 30s के लोग हैं, दे आर सो कॉन्शियस ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ अस एंड देयर्स। तो वो बाज़ औक़ात पॉजिटिव चीज, अच्छी चीज भी कर रहे होंगे, वो हमें इसलिए नहीं बताएंगे कि मामा और बाबा विल फ्रीक आउट। सो यस, दे डू दैट एंड दे आर गोइंग थ्रू दैट। मुझे एक ऐसी बच्ची का पता है जो कि मेरे से काउंसलिंग लेके अपनी मदर की करती रही है। मुझे एक ऐसी बच्ची का पता है जिसने अपने फियांसी को कहा था कि प्रॉब्लम तुम्हारे और मेरी मोहब्बत में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे में, तुम किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकले नहीं। तो उसने उस बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजा था और वो बच्चा आया काउंसलिंग के लिए। सो इन बच्चों में है, एंड आई थिंक कि जब ये पेरेंटहुड की स्टेज पे जाएंगे तो आई होप कि वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे और इस चीज से हेल्प लेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो हम बात कर रहे हैं, मैं एक कपल को जानती हूँ जिनमें डिवोर्स हुई, दैट इज द रीजन। उनकी बच्ची जब पैदा हुई तो उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से जो है, एक तो पहला उनका बेबी था और हेल्थ इश्यूज थे, तो हस्बैंड जो हैं
वो कहते थे मेरी तो जॉब है, मैं तो हेल्प नहीं कर सकता, तकिया उठाया और बेसमेंट में चले गए. वो जो है एक 19 ईयर ओल्ड जो है वो मदरहुड पे उसने कदम रखा है और उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है. उसके पेरेंट्स, उसकी बहनें सब पाकिस्तान में हैं, वो अकेली है. और हस्बैंड वो क्या कह रहे हैं कि दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम, मेरी सुबह को जॉब है, सुबह मुझे उठना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. तो वो जो है स्ट्रेस आउट हुई थी खातून, और उनकी आखिर में लेटर ऑन उनको अच्छी जॉब मिली, उन्होंने उनको छोड़ दिया दोनों ने आपस में. और बच्चा किसके पास है, बच्ची किसके पास है? बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, ये काफी अरसे पहले की बात है, लेकिन ये ऐसा हुआ इसी वजह से. इसीलिए मैं पेरेंटहुड का जो है वो कितना कोऑपरेशन होना चाहिए, आप नहीं छोड़ सकते अपनी बीवी के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर. इसमें भी जो है बैलेंस करने वाली बात है कि आपको समझना है, आप एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की परेशानियां दुख शेयर करेंगे, तभी ये रिश्ता जो है वो मजबूत होता है. देखिए मैंने ना एक चीज, अच्छा ये बच्चों की अपब्रिंगिंग और पेरेंटहुड ये एक चीज है, और ठीक है कि हाँ ज्यादातर बच्चों की तरबियत माँ के जिम्मे आती है, और साइकोलॉजी भी कहती है कि बच्चा माँ से ज्यादा वाइब्स ले रहा होता है पहले 7 साल. ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे हटके भी देखें कि अगर किसी भी वजह से घर में काम ज्यादा हो जाए तो क्या इखलाक का तकाजा नहीं है कि घर में अगर कोई और अडल्ट है तो उठ के अडल्ट की हेल्प कर ले. जैसे बच्चे को वैक्सीन लगी है, बच्चा रेस्टलेस है, या कोई भी चीज है. और मुझे जब भी कोई खातून तारुफ कराती है कि कुछ नहीं मैं तो घर पे होती हूँ, तो मैं कहती हूँ भाई आप तो ज्यादा जॉब करती हैं, क्योंकि 9 to 5 जॉब में आप जाते हैं एक, ज्यादातर आप एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में बैठते हैं और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं. जब आप अच्छा पहनते ओढ़ते मेकअप करते हैं आपको अच्छा लगता है, और आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपके कुछ बॉडी पार्ट्स थकते हैं और कुछ रिलैक्स्ड होते हैं. जब आप वापस आते हैं तो फिर आप घर का काम देखते हैं. लेकिन जो 24/7 घर की खातून होती हैं उसको तो कभी भी आवाज दी जा सकती है. और फिर उसकी सेल्फ जो केयर है जो कि बहुत जरूरी है, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो आप अच्छा सा तैयार हो, नहाएं धोएं अच्छा सा, तो आप, आपकी आधी बीमारी लगेगा खत्म हो गई, यू विल फील बेटर. लेकिन जो खवातीन घर का काम कर रही होती हैं उनके पास सेल्फ केयर का अक्सर टाइम नहीं होता. अक्सर मैंने खुद देखा है, मेरे सामने एक खातून के बच्चे, 4 बच्चे ऊपर तले के, और वो कहने को हाउसवाइफ थी, हस्बैंड ऑफिस निकल जाते थे. वो सुबह की उठती थी, उसे टॉयलेट यूज करने का टाइम नहीं मिलता था. एक से एक बच्चा, छोटे छोटे एक दूसरे के साथ के, किसी का डायपर है, किसी का फीडर है, किसी का सैंडविच है, किसी के नूडल्स हैं. अब वो उसको गिरा रहा है वो उसको. तो समटाइम्स मैं जब उनके पास गेस्ट होती थी तो वो मुझे बिठा के बच्चों के पास एक्सक्यूज, और वो उसमें भी बड़ा गिल्ट होता था कि आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, और ये वो. तो बेसिक नीड है टॉयलेट यूज करना, उसको बाद 12-1 बजे तक टाइम नहीं मिलता. खाना दूर की बात है, चाय 3-3 दफा ठंडी हो जाती थी. अब इस रूटीन को एक्सटेंड कर दें 6 सालों, क्या वो चिड़चिड़ी नहीं होगी? वो इंसान की बच्ची नहीं है? फिर जब वो अपने जिस्म की थकन और बेखाबी की बात करती है तो हमारे जैसी खवातीन या जो भी सीनियर हो कहते हैं शुक्र करो अल्लाह ने बच्चे दिए, इतना अच्छा शौहर है. वो शुक्र तो करे, लेकिन शुक्र करने के लिए सांस बचे तो. तो यस, आई थिंक शी डिड राइट. इट्स काइंड ऑफ यू नो सेल्फिश थिंग, किसी बंदे पे ज्यादा जिम्मेदारी छोड़ देना जस्ट बिकॉज के, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी अ बैलेंस. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर में कितने काम अपने हाथ से कर लेते थे, और मतलब ही बिलीव्ड इन दिस थिंग. और मैं तो कहती हूँ कि हमारी जो नबी सल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप देखें शी वॉज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस लेडी. तो और उन्होंने कितनी मर्जी से मजे से अपनी वेल्थ को चैरिटी किया था, और सुर ऊंटों की मालिक थी वो. तो वहां से अगर देखा जाए, मतलब हम लोग तो खैर उस चीज से बहुत अवे हैं. हम फीमेल्स को बड़ा फाइनेंशली डिपेंडेंट रखते हैं, हमारे मर्द की शान ही इसी चीज में है कि औरत उस पर डिपेंड करे. और साउथ एशिया की एक रिसर्च है, और बड़ी अजीब सी अलार्मिंग रिसर्च है, कि जिन शोहरों की बीवियां उनसे ज्यादा कमाती हैं किसी भी वजह से, या ज्यादा खाते पीते घरों से हैं, वो अपनी बीवी से कभी भी खुश नहीं होते. उसकी वजह जो है वो ये है कि कल्चरली उनके अंदर एक एहसास कमतरी आ जाता है. यानी मॉडर्न मर्द जो है उनके दिमाग के एक हिस्से में वो कंफर्ट जोन में है कि चलो बीवी की तरफ से ज्यादा आ रहा है, घर में जो भी यू नो ऊंच नीच होती खर्चे की एड्रेस हो जाती है. लेकिन जो उनके अंदर का एक टिपिकल मर्द है, जो 2 नस्ल पहले के दादे जैसा हस्बैंड होना चाहता है, जहां पे हर क्रेडिट मर्द का था कि शुक्र करो तुम्हारी इस घर में शादी हो गई, भाई हम तो इतनी बड़ी राजा इंद्र का खानदान है,
तो वो मर्द खुश नहीं होता बीवी से, और ऐसे हस्बैंड अक्सर फिर कहते हैं जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जाते हैं. तो वो रिसर्च मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दिस इज ऑल ओवर द कन्वेंशनल सोसाइटी ऑफ साउथ एशिया. तो अगर हमें ये मालूम हो कि हमारा दो लोगों की शादी हुई है और हमारा ये सोशल बैलेंस है, हमें अवेयरनेस तो होगी कि अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ तो मैं इस वजह से कर रहा हूँ. समटाइम्स हमें अपना साथी इसलिए बुरा नहीं लगता कि वो बुरा होता है, हमें इसलिए लगता है कि हम बहुत थक चुके होते हैं, हमें ब्रेक चाहिए होती है. सही, बिल्कुल. अभी नरगिस आप बात कर रही थी कि हम कौन क्या लैंग्वेजेस, जाहिर आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस कहाँ नहीं होती है, अगर आप इस पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे हैंडल किया है, ऐसे आर्गुमेंट्स हैं या ऐसी सिचुएशंस को दोनों तरफ से. आपने अभी कहा कि ये वाला जैसे जो वर्ड यूज किया था उस बच्ची ने सास के लिए, किस तरह की लैंग्वेज जो है घर में ना यूज की जाए, अपने आप को अपने जज्बात को कंट्रोल में रख के, क्योंकि साथ ही आपको रहना है. कि हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं, जो स्पेशली मेरे आप ही इसमें गाइड कर सकती हैं कि दोनों तरफ से नजर आता है, या लड़की की तरफ से होता है या लड़के की तरफ से, या आपको लगता है अगर इस सिचुएशन को हैंडल कर लें तो रिश्ता जो है वो मजबूत रहता है. असल में ना एक लम्हा होता है गुस्से का, कमजोरी का. गुस्सा भी कमजोरी की निशानी है. गुस्से की जो बुनियाद है वो बेबसी बनती है. कभी आप अपना आप समझा नहीं पाते, कभी आपसे अपनी जिद और अपनी अना ही नहीं हैंडल हो रही होती और आप अपनी आग में जल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इग्नोर क्यों किया गया. मैंने एक घर में इस वजह से भी लड़ाई देखी है कि एक दामाद ने कहा कि मुझे चाय बाद में पकड़ाई और दूसरे दामाद को पहले पकड़ाई. मुलाजिम ट्रे में चाय लेकर आया, दो दामाद बैठे हैं, जो पहले बैठा था छोटा दामाद था उसको पहले पकड़ा दी, जो बाद में बैठा था बड़ा दामाद था उसको बाद में पकड़ा दी, जैसे होता है. लेकिन उस चीज पे लड़ाई हुई. और ये पढ़े लिखे घर की बात है. अब अगर आप अपनी बीवी से ये बहस करेंगे तो इस बात का वो जवाब क्या देगी? कुछ बातें इतनी पेटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं, इतनी ऑब्वियस होती हैं. एक मुलाजिम बेचारा जो पाकिस्तान के माहौल में घर में काम, उसकी क्या औकात है किसको पहले दे किसको बाद में दे. जिस तरतीब में बैठे सोफे पे वो दरवाजे के साथ एंटर हुआ उसने पकड़ा दिया. लेकिन कहने का मकसद ये है कि I don't know how to put it, लेकिन people do not revise their emotional ethics. जब हम adult हो जाते हैं ना, हम खुद को बेहतर बनाना जरूरी नहीं समझते. हम कहते बस अब हम ऐसे ही हैं, चूंकि हम ऐसे हैं तो everyone should act like this. और उसमें एक ये भी चीज होती है unconsciously, घरों में जैसे mothers बच्चों को बहुत indulge करती हैं. सब्जी नहीं खा रहा उसके लिए चिकन बन जाएगा, वो शोरबे वाला नहीं खा रहा नगेट्स बन जाए, क्यों बन रहे हैं. हमारे जमाने में होता था अमीर से अमीर घर में भी जो बनता था हर बच्चा टेबल पे वही खाता था. और अभी भी घर में जो जो खवातीन और हजरत का आपस का रिश्ता है उसमें आप जहां तक लेवल ऑफ लैंग्वेज रखेंगे वहीं तक आदत सेट हो जाएगी. जब नया रिश्ता बनता है तो वो ऐसे कच्ची हड्डी की तरह होता है, उसको जहां जोड़ेंगे वो वहीं पर जुड़ेगी. अगर आपने एक दूसरे को आदत डाल ली कि आपने हर बात ऊंची आवाज में ही सेटल करनी है, बच्चों के सामने बहस करनी, घर वालों के सामने, तो वो आपकी शादी का एक कहते हैं ना कि एक आइडेंटिटी वही बन जाएगी कि आप, क्योंकि ऐसे कपल्स होते हैं जो पब्लिक में भी बहस में पड़ जाते हैं. और अगर आपने शुरू से मिजाज कोई एक ऐसा होता है जिसे उस एक लम्हे के गुस्से में या कमजोरी में चुप रह जाना होता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर वो उस लम्हे में आप उस बात को छोड़ देते हैं तो फिर वो बात छूट जाती है. क्योंकि देखें जब आपने लंबा एक साथ चलना है तो छोटा छोटा जो बोझ है ना ग्रजिस का और तहफुजात का वो नहीं उठाया जा सकता अपने कंधे पे. और मैं जब कपल्स से बात करती हूँ तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि डोंट रिपीट योर पास्ट, स्टॉप हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ग्रज. आप अपनी एक रिश्ते की हिस्ट्री बना लेते हैं, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुमने मेरी खाला फौत हुई तो फोन नहीं किया, तो जनाजे पे वक्त पे नहीं भेजा, तो वो जो पूरी ग्रज हिस्ट्री होती है वो हर छोटे मामले पे पीछे से पूरा चैप्टर खोल लिया जाता है दोनों तरफ से. दूसरी चीज ये कि मेके और ससुराल के रिश्तेदारों की मिसाल को अपने जाती आर्ग्यूमेंट में ले आना नहीं करना चाहिए कभी भी. देखें आप एक खातून है, मैं एक खातून हूँ, हमारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, हम हर किसी के अमाल के जिम्मेदार नहीं हैं.
अगर हमारी जिंदगी का साथी हमें ये ताना देगा ना कि तुम्हारे भाई ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, हाँ तो उन्होंने किया, मैंने कहा था नहीं, मैं ऐसा करती हूँ नहीं. सो एनी एवरी फैमिली हैज गुड और बैड रिलेटिव्स. अमूमन खानदानों के ताने दे के झगड़ा खराब किया जाता. तीसरी जो चीज होती है कि मेरे पास एक केस आया था दैट वॉज वेरी फनी, कि वो खातून बड़ी डिसेंटली खातून थी, उनके हस्बैंड बड़े ऐसे बोलने वाले थे, तो कहती थी मैं जब चुप कर जाती हूँ तो वो इस चीज पे चीजें तोड़ने लगते हैं कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो. अब एक बंदा अगर बेइज्जती करवा रहा है और वो चुप कर गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि शी इज फीलिंग गुड, शी इज नॉट फीलिंग गुड, शी इज ट्राइंग टू बी पेशेंट, शी इज ट्राइंग टू टॉलरेट योर लैंग्वेज. लेकिन फिर आप ये अंदाजे लगाएं कि वो सोच क्या रही है और उस पर मजीद झगड़ा करें. तो मैंने उसको कहा कि उसको कहो कि ट्रीटमेंट ले ले, नहीं लेता तो भी छोड़ दो, बिकॉज वो आपको बीमार कर देगा. सुबह शाम आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते. और लैंग्वेज तो खैर मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों की बड़ी खराब लैंग्वेज सुनी है. मैं हैरान होती हूँ कि ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो जहन और दिल तक नहीं जाती, डिग्रियों तक रहती है, नौकरी और तनख्वाहों की स्लिप्स तक रहती है, वो इखलाकियात में क्यों नहीं आती. हमें इखलाकियात कब चाहिए होते हैं, सब्र कब चाहिए होता है, मुश्किल सिचुएशन में ही सब्र चाहिए होता है ना. हंसते खेलते सब्र किसको चाहिए, हंसते खेलते तो शुक्र है चल रहा है. तो यस, एंड आई थिंक दिस इज सेल्फ रिकॉल, खुद को बताते रहना चाहिए, याद कराते रहें, खुद को रिवाइज कराते रहें कि आई हैव टू एक्ट गुड, आई हैव टू यू नो टू बी, आई हैव टू मूव टूवर्ड बेटरमेंट ऑफ माई ओन सेल्फ. ये जरूर होना चाहिए, अपना जो है मुहासबा करते रहना चाहिए. ये नहीं समझे कि आप परफेक्ट हो गए या ये एज है ऐसी कि आप अब कुछ चेंज नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है. Exactly. अल्लाह ताला ने इतनी आपके अंदर जो है अडैप्टेबिलिटी रखी है कि आप कर सकते हैं. द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक के तहकीक मुताबिक जो कपल एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनके जो है लॉन्ग टर्म रिलेशंस रहते हैं. तो ऐसा कैसा आपने देखा होगा कि हम लोग जो है अपनी अच्छी बुरी जो भी चीजें होती हैं शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे को के करीब होते हैं, उससे जो है बॉन्डिंग जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. आई बिलीव इन दैट, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो मियां बीवी का बेसिक रिश्ता है जो कि जो फिजिकल रिलेशन है उसकी एक उम्र है और उसका एक वक्त होता है. वो 24/7 की चीज नहीं है, वो एक खास लेवल होता है. फिर उसका एज आते हैं, फिर उसमें एक सोशल, वो उसकी एक खुदा ने रीजन है, निज़ाम कुदरत चलाना है वो है. लेकिन दो इंसानों का एक दूसरे के साथ मिल बैठना पुरसकून माहौल में, और कोई दुख आए कोई सुख आए और आपको ये लगे कि ये मैंने अपने जिंदगी के साथी के साथ जाके शेयर करना है, तो आई थिंक दैट इज अ लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी जो होना चाहिए. अगर आप एक दूसरे से अलग हैं तो इस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ वो मेरे से अलग है. लोग अच्छा होने के बावजूद भी आपसे मुख्तलिफ हो सकते हैं. मैंने बहुत सारी ऐसी बीवियां देखी हैं और बहुत सारे ऐसे हजरात देखे हैं जो ड्रेसिंग को लेकर, फूड चॉइसेस को लेकर, स्लीपिंग पैटर्न्स को लेकर एक दूसरे पे अपना आप इम्पोज करते हैं कि मेरा साथी मेरे जैसा हो जाए शादी के बाद. वो आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस औरत और मर्द दोनों के पास रहनी चाहिए. अगर आपका मर्द, आपका जो हस्बैंड है वो एक खास तरह की शर्ट नहीं पहनता तो बीवियां इम्पोज क्यों करेंगी और व्हाटएवर. और वो जो दोस्ती है आई थिंक वो डेवलप होती है ओवर द इयर्स, डेवलप होती है. आपको आदत हो जाती किसी इंसान के साथ रहने की, छोटी छोटी बातें आप इग्नोर करने लगते हैं. और फिर उस जैसे आपको एक खास घर की आदत हो जाती है. बल्कि लोगों की क्या, मैंने बचपन से जो गाड़ी अपने अब्बू के पास देखी थी वो जब बिकी थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मुझे अपने घर के पोर्च में वो गाड़ी देखने की आदत थी. कोई गाड़ी आई या गई लेकिन दैट वाज देयर, वो नीले रंग की गाड़ी आदत थी देखने की पूरी, मतलब बचपन स्कूल पे हम उस पे गए थे. तो ये तो मटेरियल चीज है. ह्यूमंस के साथ तो यू नो लाइक अगर आपने किसी के साथ 15-20 साल गुजार लिए हैं तो फ्रेंडशिप और कोएग्जिस्टेंस का वो लेवल आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी बहारें इकट्ठे देखी, दुख सुख इकट्ठे देखे, बारिशें इकट्ठी देखी, बीमारी, आप उस बंदे के साथ बीमार होते हैं. मियां बीमार हो बीवी कहाँ जाएंगे, एक ही घर में है. और अगर शोहर को कोई बाहर से बात बुरी लगी है, उसने बेइज्जती कराई है, किसी से शाबाश ली है, वो घर आएगा, बीवी भी शोहर के आगे रोएगी. और अगर ये हो जाए तो हाँ दोस्ती हो जाती है. लेकिन हमारे जो देसी कपल्स हैं स्पेशली हमसे पिछली जनरेशन के,
उनमें से कई ऐसे हैं जो कि बुढ़ापे में बड़े खुश होते हैं कि हमारे बेडरूम्स अलग हो गए, मैंने देखा है। ऐसे बुजुर्ग आपस में कर रहे हो तो तुम्हें किसने देना था, तुम्हें किसने लेना था, इस तरह का उनका लाड़ चल रहा होता है आपस में, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं होती और उन्होंने जिंदगी गुजार ली होती है जस्ट बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, बट बीइंग फ्रेंड्स इज अ ब्लेसिंग। आई विश के जिस हस्बैंड वाइफ के साथ हो जाए, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली। और जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी रिसर्च क्या कहती है के मुताबिक अच्छे वक्त में तो सब लोग साथ देते हैं, जैसे अभी आपने कहा ब्रांडेड कपड़े भी मिल रहे हैं, शॉपिंग भी अच्छी मिल रही है, जैसे आपके ऊपर जो है वो बुरा वक्त आया, मुश्किल का वक्त आया, उसको आपने कैसे हैंडल किया, कितना साथ दिया आपने, वो आपके रिलेशनशिप पे कैसे अफेक्ट करती है? आई थिंक दैट स्ट्रेंथन्स योर रिलेशन, दैट इज अ टेस्ट टाइम। जैसे कि किसी बीवी या शौहर का बीमार हो जाना या किसी बड़ी बीमारी में पड़ जाना, बिकॉज मेरी फैमिली में ऐसा हुआ, जब मेरी सिस्टर को कैंसर हुआ तो हमें पता चलने से कोई 3-4 साल पहले से उनके हस्बैंड को पता था, और जो उनका बॉन्ड था उस बॉन्ड में, मतलब वो 3-4 साल वो एक ऐसा दुख और गम था जो दो लोगों के बीच में था, उन्हें किसी तीसरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और व्हेन शी वेंट टू हॉस्पिटल, ऑब्वियसली जब एडमिट हुई तो फिर सबको पता चला। फिर उसके बाद मैंने अपने बहनोई को रातें जागते देखा है अपनी सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर को जब डॉक्टर्स ने बता दिया था कि इट कुड बी एनी डे फॉर यू, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो अपने शौहर की शादी करा के जाएं, बिकॉज दे वर अ यंग कपल, आई थिंक उनका बड़ा बेटा उस 9 साल का था, लेकिन मेरे बहनोई ने नहीं की। और मेरी सिस्टर के बाद भी आई थिंक 3 साल लगे हैं उनकी फैमिली को मनाने में कि अच्छा आप कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बीमारी ने उनको ज्यादा करीब किया था। और इसी तरह से मैंने देखा है कि समटाइम्स जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो मियां बीवी या बहुत करीब हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वो एक टेस्ट टाइम होता है, अगर उसमें आप एक दूसरे के अंदर के इंसान के साथ कनेक्ट कर पाए इमोशनली, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कपल्स फिजिकली जरूर कनेक्ट करते हैं, इमोशनली 20-20 साल कनेक्ट नहीं करते, चॉइसेस जो है वो पता नहीं होती या केयर नहीं करते। तो इट कुड वर्क बोथ वेज, जो भी कोई क्राइसिस है, बीमारी है या इस तरह से। मेरे सामने एक ऐसे कपल की मिसाल भी है जहाँ पे शादी का मौका था, घर में सोने की चोरी हुई, तो पता नहीं क्या वजह थी लेकिन ससुर ने अपनी बहू पे, बड़ी बहू पे इल्जाम लगा दी। तो बहू ने माफी मांगी और उसने अपना सामान पेश कर दिया कि आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मैंने ये नहीं किया। ऐसे आप ये बात कर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ड्रामों में दिखाते हैं, लेकिन दैट इज रियलिटी। मैं इन खातून से मिली हूँ, चूंकि उन खातून को मैंने पूछा था कि आप इतनी ताबेदार हैं और आपके सास ससुर इतने सख्त हैं और आमने सामने घर है, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, तो हाउ कम अलग कैसे होने दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो अलग नहीं होने दिया। किस तरह से पूरी फैमिली आई हुई थी, तो कहती मेरे हस्बैंड सो ही टुक स्टैंड एंड ही सेड कि जितनी रिस्पेक्ट आप लोगों की है उतनी ही रिस्पेक्ट मेरे बच्चों की माँ की भी है, एंड ही वॉकड आउट। और उसके बाद कोई साल 2 साल अपने माँ बाप को खुद उसने अपनी बीवी को नहीं जाओ, उसने कहा जिस घर में तुम्हारी बेइज्जती हुई है तुम नहीं जाओ। और उसके बाद जो उनका रिश्ता, एंड दैट वाज एन अरेंज मैरिज, और वो खातून कहती थी कि मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ बट आई विल स्टैंड विद माय हस्बैंड एवर फॉरएवर। रीजन ये है कि उस दिन जो इस बंदे ने स्टैंड लिया है, क्योंकि अगर ये 4 दिन बाद 6 दिन बाद रिएक्ट करता तो फैमिली जा चुकी होती, किसी को पता नहीं चलना था कि मैं चोर हूं या नहीं हूं। लेकिन चूंकि इसने उस वक्त पे अपने पेरेंट्स के आगे स्टैंड लिया, and he did it very obediently without raising his voice, and he was financially very weak, he was just a school teacher, 15-20 hazaar kama rahe the, wo unke liye alag rehna aasan nahi tha. To bazukat aise situations aate hain aur kyunki zindagi hamare liye drama nahi hoti, unexpected situations aate hain jo ki miyan ya biwi ke liye test case hote hain, and if then you stand together and you know that your partner is right. और मैं इसमें थोड़ा और इस चीज को आगे ले जाती हूँ कि देखिए आपकी आइडेंटिटी एक है, आप एक फैमिली यूनिट बना रहे हैं, आप दो लोग हैं। अगर आपका जिंदगी का साथी गलती कर भी गया है
कोई ऐसी पब्लिक सिचुएशन आ गई है तो प्लीज उस वक्त उसे कवर कर लीजिए, बिकॉज बीवी की इज्जत शोहर पे, शोहर की बीवी पे होती है, और ये यूनिवर्सल है, ये सिर्फ रिवायती कल्चर्स में नहीं है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट क्लिंटन का 90s में एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, उस स्कैंडल ने उसको किसने बचाया था? फर्स्ट लेडी ने, बिकॉज वो पब्लिकली अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं आई और उसने शादी खत्म, हालांकि दिस इज इवन इन क्रिश्चियनिटी दिस इज अ बिग डील, दिस इज अ बिग थिंग। और जो दूसरी खातून थी उनका मैंने खुद इंटरव्यू सुना था CNN पे, एंड शी वॉज वेरी ओपन अबाउट इट। लेकिन उस वक्त मिसेस क्लिंटन ने अपनी पूरी फैमिली और उस यूनिट को संभाला था। सो वन पार्टनर इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली मेन डोंट डू दैट, वुमेन यूजली डू दैट, लेकिन इट शुड बी बोथ वेज। तो यस, टफ टाइम्स कैन स्ट्रेंथन अस एंड टफ टाइम्स कैन ब्रेक मैरिजेस। दैट इज ट्रू। इसी पे जो है हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। सीनियर जो होते हैं, सीनियर कपल्स, उनके डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जैसे बोर्डम है, उनके लिए फन एक्टिविटीज, उसको रिश्ते को कायम रखना, कुछ एक्टिविटीज डिफरेंट ढूंढना, ताकि उसमें जो है एक एक चार्म नजर आए उस कपल्स के लिए। बहुत सी चीजें जो डिस्कशन जो है अब जारी रहेगी इंशाल्लाह, कि उसको कैसे जो है हम लोग जो है वो कायम रखें, कि उनको एंजॉय कर सकें अपनी जो कंपेनियनशिप है। जैसे हम कई मरतबा ऐसा भी होता है ना, हम लोग प्रॉमिस कर देते हैं, बच्चों से भी करते हैं, लेकिन अगर वादा शेख नहीं होती है, आप उसे पूरा नहीं करते, तो भी जो है स्पेशली न्यू कपल्स की बात हो रही है या हम लोगों ने बात डिस्कस की है कि वादा जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, आप अपने अपने घर से शुरू करें। समटाइम्स हम लोग कई चीज़ें जो है वो इतना को सीरियस नहीं लेते हैं अपने घर में, बच्चों के लिए या अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, उसको लेट इट गो कर देते हैं। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, अगर आपने प्रॉमिस किया था उसको पूरा नहीं किया, लेकिन वो ये कैसे अफेक्ट करता है? इट डज। देखें, पहली चीज तो ये कि जो हमारे सीनियर कपल्स हैं उनका एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है जिंदगी में, जिसको हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते, दैट इज क्राइसिस ऑफ रेलेवेंस। वो उस उम्र में नहीं होते जहाँ वो पूरी जिम्मेदारियाँ उठा सकें, लेकिन उनको रेलिवेंस चाहिए। वो खुद को फारिग ना समझें, फारिग समझने से मुराद है उनको ये ना लगे कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, जिसके लिए उनको बहुत रोब डालना पड़ता है, अपने आप को इम्पोज करना पड़ता है, नेगेटिव होना पड़ता है। तो अगर प्यार मोहब्बत से बहू जो है वो छोटा छोटा क्रेडिट अपनी अम्मा को देती रहे, और बच्चों का ऐसा छोटा छोटा काम जो कि बहुत हार्ड वर्क ना हो, अपनी सासू माँ के उस पर करती रहे, तो मेरे ख्याल में वो बोथ वे चीज़ मैनेज हो सकती है, उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती है। एंड आई नो टेक्सास में एक खातून हैं जिन्होंने यहाँ पर आने वाली जो इमिग्रेंट फैमिलीज़ की मदर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया, उनका अपना वो चैरिटी वर्क करती हैं, उनका अपना एक नेटवर्क है, और वो अपनी किटी पार्टीज करती हैं, और वो अपनी एज के कैटवॉक्स भी करती हैं अपनी एज के हिसाब से। और वो उसकी रीज़न ये बता रही थी, वो खातून कहती थी मैंने ये नॉन प्रॉफिट इसलिए बनाई है क्योंकि मैं जब आई हूँ तो मैं एक रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस होने के बावजूद मुझे लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, क्योंकि जिस लहजे में अंग्रेजी वहाँ बोली जाती हुई, और आपको पता है बहुत से शहरों में हम फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो यहाँ बहुत सारी मदर्स का लैंग्वेज इम्पेडिमेंट था, जिसकी वजह से वो सोशली आउटकास्ट हो जाती हैं, फिर बच्चे उन्हें फंक्शंस पे लेके नहीं जाते, फिर उनकी ड्रेसिंग उनको वेस्टर्न ड्रेसिंग की आदत नहीं होती है। बहुत सारी तो हमारी वो माएँ जो दुपट्टा कैरी करती हैं, इस तरह स्काफ भी पिन अप नहीं करती हैं, तो उन्होंने उनकी एक अलग दुनिया आबाद की है वहाँ पे, एंड आई लव दैट कॉन्सेप्ट। अब हम इस तरफ आते हैं जो आपने सेकंड पॉइंट रेज किया, और ये मैं भूल गई हूँ क्या था। एक तो आपका सीनियर सिटीजन का पॉइंट था, बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, अपनी एक दूसरे की कंपनी से बोर इसलिए हो जाते हैं कि सब कुछ नोन होता है। मैंने ना एक देसी लड़के और एक कैनेडियन इंडियन लड़की की शादी पर एक मूवी देखी थी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका। लव मैरिज तो हो गई लेकिन मैच नहीं हो रहा था आपस में, तो दोनों काउंसलर के पास बैठे हैं और गिले शिकवे हो रहे हैं, और वो लड़की काउंसलर को कहती है कि शादी के शुरू दिनों में ये मेरे से बहुत गपशप लगाता था, जॉब से आके मुझे कंपनी देता था, आहिस्ता आहिस्ता ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, अब ये मेरे साथ हैंग आउट नहीं करता, मेरे से बातें नहीं करता। तो उसने मर्द से लड़के से पूछा, भाई क्यों बीवी से बात? कहता जी शादी को 9 साल हो गए, सारी बातें कर ली, बातें खत्म हो गई, अब हमें सब पता है एक दूसरे, अब मैं क्या पूछूं।
तो मैं थका हुआ आता हूँ और मैं सो जाता हूँ खाना खा के. सो दैट वाज सच एन इनोसेंट बट रियल आंसर. क्योंकि जैसे हम ख्वातीन को गप लगाने की आदत होती है, जनरली लड़कों को मर्दों को नहीं होती. वो या तो इकट्ठे बैठेंगे कोई अपना स्नूकर या कोई गेम्स वगैरह खेलेंगे, वो सिर्फ गप्पों के लिए नहीं बैठते. मजॉरिटी डज नॉट डू दैट ऑफ मैन. तो यस, बुजुर्ग एक दूसरे से बोर हो सकते हैं बट वी कैन ऑलवेज रीजेनरेट देयर एक्टिविटीज. और इस मुआशरे में तो बहुत हैं करने के लिए. यहाँ पे मैं गोरों के बुजुर्गों को देखूं, मीना हेलोवीन पे आप देखें, वो अपने घर से जाएंगे, फिर वो खुद वो पूरे कॉस्ट्यूम पहनेंगे और वो अपनी वो हेलोवीन वाली लाइटिंग करके ट्रिको ट्री वाली वो पूरी कैंडीज लेके बच्चों के लिए कई घरों के बाहर वो बैठे होते हैं. एंड दे आर सो एक्साइटेड. मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं स्टोर्स पे. दिस इज वन इवेंट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एंजॉय. बिल्कुल वे उनका वे है. हम लोग भी अपनी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फन एक्टिविटीज़ जो है वो हमें ढूंढनी चाहिए. और हम लोगों का मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें, मुझे बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत आपने जिस तरीके से बताया, आई रियली इंजॉयड इट. होपफुली हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उन्होंने भी जो है इससे बहुत फ़ायदा उठाया होगा कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए. अपने जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना फैमिली स्ट्रक्चर हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो जो है कैसे अफेक्ट करेगा हमारी हमारे बच्चों पर. बच्चों का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट सेशन जो है नरगिस ज़ारा के साथ. सोशल मीडिया है, डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स इश्यूज नज़र आते हैं बच्चों के साथ, तो वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नरगिस आपके साथ. एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बातें करना कैसे अफेक्ट करती हैं. पॉजिटिव बातें तो ना सिर्फ कपल्स की हैं बल्कि जहां भी हम जाते हैं, बी पॉजिटिव, बी काइंड, कॉम्प्लीमेंट करना. कि हम जब भी कोई दिन स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट करें. और सबसे बड़ी बात यह है कि खामियों को नज़रअंदाज करें. कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर जो है वो परफेक्ट हो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम लोग नजरअंदाज करें. और इसी मैसेज के साथ जो है मैं प्रोग्राम खत्म करती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया नरगिस, आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं. मैं अल्लाह ताला रिवॉर्ड यू, मैं अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली. और इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.